तो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आज क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है गरुड़ जी का। यहाँ पे आप सभी जानते होंगे गरुड़ जी जो है श्री हरि विष्णु जी के वाहन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है वो सबसे पहला जो मैसेज मिल रहा है वो यही है कि यहाँ पे आप सुरक्षित हैं पूरी तरीके से, और यहाँ पे जो आप प्रोटेक्शन ले रहे हैं वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर किसी व्यूअर का ये सवाल था, आपके मन में ये सवाल चल रहा था कि आप प्रोटेक्शन तो ले रहे हैं लेकिन क्या आप जिस पर्पस से ले रहे हैं वो उस पर्पस से वो प्रोटेक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यस डेफिनेटली वो वर्क कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ईश्वर से, अपने ईष्ट से, अपने स्पिरिट गाइड से प्रार्थनाएँ कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। किसी चीज़ का उन्हें सॉल्यूशन चाहिए, कोई चीज़ ऐसी है जो कोई उलझन है जिस चीज़ का हल वो ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत ही जल्दी आपको किसी न किसी माध्यम से वो ऐसी गाइडेंस जो इस वक्त आपको चाहिए, आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो गाइडेंस यहाँ पे आपको बहुत जल्दी ही प्रोवाइड की जाएगी, आप तक पहुँचाई जाएगी। जो भी गाइडेंस, जो भी नीड उसके लिए होगी आपको, वो आप तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी। ठीक है, और साथ में यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ व्यूअर्स का, या फिर यहाँ पे अगर आप अपने काउंटर पार्ट, अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं तो उनका थ्रोट चक्रा इस वक्त काफ़ी डिसबैलेंस है यहाँ पे, और कुछ ऐसे चीज़ें यहाँ पे आपके पर्सन के, आपके काउंटर पार्ट की लाइफ में हुई हैं। कुछ ऐसा कह सकते हैं कि टावर मोमेंट टाइप का आया है, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे फील पिक हो रही है। तो यहाँ पे और आपके पर्सन भी यहाँ पे यूनिवर्स से, अपने ईष्ट से, अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली यूनिवर्स से कनेक्ट हो पा रहे हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाएं, उन्हें सही गाइडेंस दें कि किस तरफ बढ़ना है और किस तरीके से बढ़ना है, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो उलझनों में पड़ रहे हैं। ठीक है, उन्हें इस क्लैरिटी से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स जो है कुछ ना कुछ ऐसा कह सकते हैं, उनके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया है ताकि यहाँ पे अगर आप डिवाइन जर्नी में हैं, शिव शक्ति की जर्नी में हैं, तो इस कनेक्शन को वो समझ पाएँ। ठीक है, यही आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको इमिडिएटली अगर उनकी एनर्जी पिक हो रही है, लो एनर्जी पिक हो रही है तो इमिडिएटली कॉल कर दिया, अब आपको कॉल नहीं करना है। ठीक है, अब आपको कॉल वहाँ से आने का वेट करना है, वेट भी नहीं करना है, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, उन्हें स्पेस दीजिए, उनकी हीलिंग चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑन एंड ऑफ, आपका ब्लॉक, आपका साइलेंस जोन हमेशा के लिए ख़त्म हो और परमानेंटली आपके पर्सन आपके पास आए, तो प्लीज़ उन्हें स्पेस दीजिए, उनकी हीलिंग के लिए स्पेस दीजिए। ठीक है, उन्हें अपने ऊपर वर्क करने दीजिए, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी सिचुएशंस उनकी लाइफ में लाई जा रही हैं डिवाइन के थ्रू, वो उन्हें फेस करनी होगी। आपने भी की थी ना आपके अवेकनिंग के दौरान, आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल के दौरान आपने अपना फेस अकेले ही किया था। ठीक है, तो उन्हें भी करने दीजिए। ठीक है, उन्हें आप स्पिरिचुअल लेवल पर भी ग्रो होने दीजिए, आपके साथ इक्वल बैलेंस में, इक्वल एनर्जीज में आने दीजिए। ठीक है, और आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं, यही रीज़न है कि यहाँ पे ये टावर मोमेंट आया है और आपके डिवोशन की यहाँ पे जीत हो रही है। आप जिस तरीके से डिवोशन ले रहे हैं, डिवोशन के पाथ पर चल निकले हैं, बढ़ निकले हैं, ठीक है, आपने पूरा कंप्लीट ट्रस्ट करना शुरू किया है जब ईश्वर पर, अपने ईष्ट पर, तो यहाँ पे ये काम कर रहा है। यहाँ पे आपकी लाइफ में आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको, लेकिन आपको ये भी एक मैसेज है कि यहाँ पे आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, जो आपको डीमोटिवेट तो करते ही हैं लेकिन आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो आपको, जो आपकी कमियाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से यहाँ पे आपको बचना है। अगर आपके ऐसी लाइफ में ऐसे लोग हैं, ये कोई भी हो सकता है ना, आपके
पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, ये आपको इंट्यूटिवली समझना होगा। क्योंकि अब यहाँ पे आप इस इतना तो ग्रो कर चुके हैं स्पिरिचुअली कि आप समझ पाएँ कि कौन सही है और कौन गलत है। और देखिए उसके बाद यहाँ पे शिव शक्ति का कार्ड आना, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके यूनियन की तरफ आपको आपके स्पिरिट गाइड्स लेकर जा रहे हैं। और ये जो टावर मोमेंट आपके पर्सन के लाइफ में आया है वो यहाँ पे आपको यूनियन की तरफ लेकर जा रहा है, आपके पर्सन को आपकी तरफ लेकर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जीज, आपके अंदर की डिवाइन एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं, आपका शिव शक्ति बैलेंस हो रहा है, इनर यूनियन, यहाँ पे काफ़ी लोगों का इनर यूनियन हो चुका है और काफ़ी लोगों का भी इस वक्त यूनियन, इनर यूनियन का प्रोसेस चल रहा है। और बहुत सारे फिजिकल 3D में भी यूनियन इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे री यूनियन यहाँ पे डेफिनेटली होंगे, आपकी एनर्जी वाइज होंगे। ओके, और मैंने अभी 555 देखा है जब मैंने ऐसा कहा है, आपकी भक्ति की, आपकी डिवोशन की ज़रूर जीत हो रही है। आपको अपने विश्वास, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने पाथ पर, अपनी डिवोशन पर, अपनी भक्ति पर विश्वास रखना है। ठीक है, अपने ट्रू लव पर विश्वास रखना है। ईश्वर आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, और साथ में यहाँ पे आप अपने आप यहाँ पे कम्प्लीटली सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं। जो भी व्यूअर्स यहाँ पे कम्प्लीटली सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अपनी अबंडेंस पर, अपनी मटेरियल ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जो बहुत हाई एनर्जीज में हैं उनका यहाँ पे परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन भी डेफिनेटली बहुत जल्दी होने वाला है यहाँ पे। ओके, और साथ में यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको वननेस की एनर्जी में आना है। आपको अपने माइंड से ये थॉट निकालना है कि आप सेपरेट हैं अपने पर्सन से। ठीक है, आप अपने माइंड में कंटिन्यूसली अगर यही थॉट दे रहे हैं कि आप सेपरेशन में हैं, ये सेपरेशन सेपरेशन आप कंटिन्यूसली सेपरेशन सेपरेशन जो है वो अफर्म कर रहे हैं, आप लिटरली अफर्म कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में सेपरेशन ही क्रिएट हो रहा है और ये सेपरेशन जो है आपके लाइफ में ख़त्म नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे इस सेपरेशन को ख़त्म कीजिए और इस माइंडसेट में आइए, इस थॉट प्रोसेस में आइए कि वी आर यूनाइटेड, आप एक ही सोल है। आप यहाँ पे अगर ये अर्धनारीश्वर का कार्ड है, जिस तरीके से यहाँ पे शिव शक्ति एक हैं, अलग नहीं है, है ना, ये बात आपको समझनी होगी कि आप यहाँ पे एक ही सोल हैं और वही आपकी हाफ सोल जो है वो वहाँ पर अपना कर्म कर रही है, अपने कर्मों का हिसाब किताब वो वहाँ पे पूरे शिद्दत से कर रहे हैं। ठीक है, और तो वही काम यहाँ पे आपको भी अपने ऊपर वर्क करना है। जितना आप यहाँ पे अपने ऊपर वर्क करेंगे उतना ही यहाँ पे आपके पर्सन उतना ही जल्दी कर्मा रिलीज करेंगे। ठीक है, आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। और अगर किसी पर्सन को आप नीली अवेकन है, आप अभी शिव शक्ति की जर्नी में आए हैं, अभी रिसेंटली आपको यहाँ पे यूनिवर्स ने कंफर्म किया है कि आप इस शिव शक्ति की जर्नी में हैं, फिर भी आप डाउट कर रहे हैं, तो ये इस बात का कंफर्मेशन है ये कार्ड आना कि आप डेफिनेटली शिव शक्ति की जर्नी में हैं। अब इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए, इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जर्नी दी गई है यहाँ पे अपने ऊपर वर्क करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपनी सोल ग्रोथ के लिए। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि ये जो जर्नी है ये कोई नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली जर्नी नहीं है कि घूमे फिरे और मूवीज़ देखी एंजॉय किया। ठीक है, वो सभी चीज़ें ये इसमें होती हैं, लेकिन ये एक नेक्स्ट लेवल का कनेक्शन है। ये कोई लव बॉन्ड नहीं है, लव कनेक्शन नहीं है, ये सोल कनेक्शन है। ठीक है, आपको इस बात को समझना होगा कि ये आपको जर्नी अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए दी गई है, ना कि इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसने के लिए दी गई है। और उसके बाद यहाँ पे कुर्मा द टॉर्टोइस अवतार, ये अगेन कार्ड आया है। तो ये कार्ड जो है आपको यही बताना चाहता है कि आपको अपने पाथ पर, अपने अपने जर्नी पर, अपने विश्वास पर विश्वास रखना है। ठीक है, आपकी जर्नी, आपकी लाइफ में चीज़ें स्लो हो रही हैं, या आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट में यहाँ पे अगर थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं और आपको सोल पर्पस मिला हुआ है और आपका सोल पर्पस यहाँ पे थोड़ा स्लो ग्रो कर रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, आप पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि
या कोई ऐसा काम है जो आप कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको आपके आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको ये यूनिवर्स आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि आप बस कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी बना करके अपना कर्म करते रहिए। और मैंने भी 10-10 देखा है जो मैंने सका है, तो यहाँ पे आपको एक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, ठीक है। आप जो कर्म कर रहे हैं ना उसे बस करते रहिए, करते जाइए करते जाइए, ठीक है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी वो इच्छा अपने आप ज़रूर पूरी हो जाएगी, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी उसके ऑब्स्टिकल्स के, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पे आपको जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है, यहाँ पे आप लाइफ में जहाँ पर भी स्टक हैं इस वक्त, वहाँ पर अगर आपने कोई हेल्प मांगी है यूनिवर्स से, अपने स्पिरिट गाइड से कोई गाइडेंस मांगी है, यहाँ पे वो गाइडेंस आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्दी। फर्स्ट कार्ड के थ्रू ये मैसेज था और इस कार्ड में भी ये कंफर्मेशन दिया है। और साथ में यहाँ पे आप में आपके अंदर वो एबिलिटीज़, वो कैपेसिटी डेवलप की जा रही है कि आप यहाँ पे बाहरी असुरी शक्तियाँ जो हैं, ठीक है, असुरी शक्ति मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई राक्षस की बात कर रही हूँ, असुरी शक्तियाँ मतलब जो आपके अंदर के ही शेडो साइड्स हैं, जो नेगेटिव इश्यूज हैं सरफेस पर आते हैं, या फिर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको अगेन एंड अगेन ट्रिगर करते हैं और आप बार बार ट्रिगर होते हैं उनकी बातों से। तो यहाँ पे आपको ऐसे लोगों का सामना किस तरीके से करना है, ऐसे लोगों को डील किस तरीके से करना है, एक स्पिरिचुअल पर्सन को किस तरीके से ऐसे लोगों का सामना करना चाहिए, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाई जा रही हैं, ठीक है। और आपको ये सीखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें सीखेंगे नहीं अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। आपके लाइफ में चीज़ें तभी रिपीट होती हैं जब आप लेसन जो है वो लर्न नहीं करते हैं। अगर जैसे ही आप वो लेसन लर्न कर लेते हैं, जो भी सिचुएशन में आपको डाला गया है, वो सिचुएशन में से जो लेसन आपको सीखना है, वो लेसन जैसे ही आप सीख लेते हैं, उस लूप से आप इमिडिएटली बाहर आ जाते हैं, वो एक फेज़ आपका कंप्लीट हो जाता है, ओके। तो ये आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। और तो ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की आज रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। और डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है, और ना सिर्फ यूनियन यूनियन की एनर्जी है, आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं वहाँ पे जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत थी वो हेल्प मिलेगी, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने ईश पर, अपने स्पिरिट गाइड्स पर, अपनी जर्नी पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखना है, क्योंकि आप यहाँ पे डिवाइन सोल्स हैं, आप यहाँ पे ईश्वर से जुड़ी हुई सोल्स हैं। और यहाँ पे आप जब ईश्वर से खुद जुड़े हैं ना, ईश्वर आपको आपके मार्ग तक ज़रूर खुद हाथ पकड़ कर लेकर जाएंगे, बस आपको चलते जाना है, ट्रस्ट बनाए रखना है और कंप्लीट सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते जाना है, ओके। तो फ्रेंड्स ये थी आपके स्पिरिट गाइड्स की आज की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, एंड अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, ठीक है, कंप्लीट ट्रस्ट रखिए और विश्वास बनाए रखिए। नाम जब बिल्कुल नहीं छोड़े, ईश्वर से जुड़े रहें, जितना ज़्यादा आप अपने ईश्वर से कनेक्शन बनाएंगे उतना ही आप स्ट्रांग यहाँ पे अपने पर्सन से, अपने काउंटर पार्ट से अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ पाएंगे, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।